हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से न्यूमरोलॉजी का एक टॉपिक लिया है ना, न्यूमरोलॉजी नंबर्स एंड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स मतलब ग्रह होता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने न्यूमरोलॉजी वीडियो जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, 7-8 वीडियो है, और आप जरूर देखिएगा उन सब वीडियोज़ को, आपको अच्छा लगेगा, नॉलेज भी बढ़ेगा आप लोगों का, इन्फॉर्मेशन भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ एक्सपोजर भी मिलेगा। आज पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वीडियो क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि आज जो है, जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5% लोगों के पास ही सुख शांति समृद्धि है ना, और 95% लोग जो हैं इनकी हालत जो है वो बिल्कुल मेरी जैसा है, मेरी तरह है, जिसके पास कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। कहने का मतलब ये होता है, कभी घृत घना का मतलब कभी आपके पास बहुत होगा, है ना, कभी मुट्ठी भर चना होगा मतलब कभी 50% होगा, कभी कुछ भी नहीं होगा। हम लोग आज 25 सालों से, जब तक मुझे जो एक ईमानदार लेडी एस्ट्रोलॉजर का, जब तक मैं उनसे नहीं मिला था, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका मैंने डिटेल दिया हुआ है, आचार्य सांताना दत्ता के, है ना, उनसे अपना भाग्य को जान लो फिर कर्म करो, देखिए सुख शांति समृद्धि आपके पीछे पीछे दौड़ के आएगी, आप 5% कैटेगरी में आ जाएंगे। अब हम लोग 5 साल से कह सकते हैं कि 5% कैटेगरी में आ गए हैं, नहीं तो अभी तक 20 सालों से हम लोग 95% कैटेगरी में हैं, जिनका जीवन जो है 95% वाले लोगों का हमेशा घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। कभी कभी लगेगा आपके पास बहुत आ गया पैसा, अचानक से कहीं से एकदम सब तरफ से सारा काम रुका हुआ काम बनने लगा, सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ एकदम बन चला गया, 1 साल 1.5 साल खूब बढ़िया रहा, फिर एकदम ऊपर से एकदम नीचे गिर जाएंगे आप, फिर सारा डिफिकल्टीज डिले है ना आपके जीवन में फिर आता रहेगा, एकदम परेशानियों से घिर जाएंगे, सब कुछ होते होते रुक जाएगा, है ना। ये सब कुछ नहीं है, ये सब ग्रहों चक्रों का, ग्रह चक्र का, नक्षत्रों का, ये सब मिश्रण है ना, जो कि कहा जाता है कि वही सब जो आगे पीछे चलता रहता है। तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हर अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो अच्छा न्यूमरोलॉजर भी होता है, और अच्छा न्यूमरोलॉजर जो होता है वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी होता है। मैंने जानबूझ के, आज तक मैंने एस्ट्रोलॉजी जानबूझ के नहीं सीखी है, उसका कारण सिर्फ एक ही चीज़ है, और ना ही मैं चाहता हूँ कि मैं बताऊँ लोगों को कि मुझे एस्ट्रोलॉजी भी आती है या नहीं आती है, जो भी है ना, मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद जो लोग हैं 80% लोग बेईमान हो जाते हैं, वो लोगों को ठगने लगते हैं, लोगों का डर का बिजनेस शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के बिजनेस में ईमानदार लोगों की बहुत कमी है। सिर्फ 20% लोग, जैसे मेरे आचार्य सांताना दत्ता की तरह जो ईमानदार लोग हैं, जिनका प्रोडक्शन करेक्ट होता है ना, ऐसे अच्छे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, जो कि कम पैसे में, सस्ते में सबसे बेस्ट काम करके आपको देंगे, ऐसे बहुत कम लोग आपको इस देश में मिलेंगे। अब गूगल सर्च पर तो बिल्कुल मत जाइएगा, पूरा भ्रमित हो जाएंगे, बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप खुद जाकर देख लीजिए क्या हालत है। 80% लोगों का कट कॉपी पेस्ट वाला मटेरियल है, जिन्होंने कहीं से उठाया तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करके डाल दिया। 20% लोग आज भी ईमानदार हैं, और आप लोग का एक वो रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो, मेरा जो भी वीडियो है, किसी का भी वीडियो देखते हो पूरा देखा करो, स्किप नहीं किया करो आप, नहीं तो आपको फिर उसका पूरा निचोड़ नहीं मिल पाएगा, नॉलेज इन्फॉर्मेशन एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा, आप बीच में आधा ज्ञान लेके उठोगे, और आधा ज्ञान जो होता है बहुत खतरनाक होता है। अ लिटिल लर्निंग इज अ वेरी डेंजरस थिंग, एंड एम्प्टी वेसल साउंड्स टू मच। आधा घड़ा समझते हैं ना, जैसे पानी रखा जाता है, आधा घड़ा जब भरा रहता है ना, बहुत छलकता है, रास्ते पर छलकते छलकते ये बताता है कि मैं भरी हुई हूँ, मेरे अंदर पानी भरा हुआ है। उसी तरह से आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए आपको पूरा ज्ञान चाहिए। इसी वजह से आज मैं फिर से न्यूमरोलॉजी का 3-4 वीडियो में आप लोगों को बैक टू बैक बनाकर दूंगा, एवरीडे आएगा आपको, है ना, और आज आपको फिर से थोड़ा सा ज्ञान न्यूमरोलॉजी के बारे में होगा। और आज मैं न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों मिक्स कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आप सर्च करते हैं, आइए मुझे वीडियो इसलिए मैंने बनाया कि एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा मुझसे कि 24 जो है 24 नंबर जो है ये कैसे लकी नंबर है। उन्होंने बताया, उनको नॉलेज था, कहीं पढ़ा होगा उन्होंने गूगल में, कि 2 जो है मून है और 4 जो है राहु है, तो मून और राहु का मिलन कैसे हो सकता है, तो लकी कैसे हुआ, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी मिक्स कर दिया इसमें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को मिक्स नहीं करना है, दोनों का अपने अपनी जगह अलग अलग महत्व, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। न्यूमरोलॉजी जो है डेट ऑफ बर्थ और नेम पे आधारित है, हम सिर्फ क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपका लेते हैं, नेम लेते हैं, बस दोनों को मिला के उसका साइकी नंबर, लाइफ पाथ नंबर जिसको डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, नेम नंबर जो एक्सप्रेशन नंबर होता है, इन तीनों के नाम पे हम आपका
नाम को करेक्ट कर देते हैं, सही करते हैं, करप्ट नहीं करते हैं, बिगाड़ते नहीं हैं। और एस्ट्रोलॉजर जो है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ प्लेस कहाँ हुआ था, आपका जन्म कहाँ हुआ था, और आपका बर्थ का टाइम, आपका जन्म का समय, वो चारों चीज लेके एस्ट्रोलॉजी आपको 100% प्रिडिक्शन देता है, बताता है, 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। और वैसे लोग सिर्फ 20% लोग हैं। आज मैं आपको गूगल इन्फॉर्मेशन जो गूगल सर्च करते हैं उसमें बहुत सारे लोग बहुत कुछ मिक्स करके आपको बताते हैं, तो उन सबसे आपका छुटकारा मिल जाएगा। नंबर्स, न्यूमरोलॉजी, नंबर्स एंड प्लैनेट्स। और आज मैं आपको बोल दूं कि आप मिक्स नहीं करेंगे किसी चीज़ को। जहां भी नहीं समझ में आए न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, आप मुझसे फ्री में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नया नाम भेज दीजिए, लिख के पूरा नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ पूछ भेज दीजिए, मैं आपका करेक्ट करके भेज दूंगा। आप खाली रिक्वेस्ट कर दीजिए कि सर मेरा नाम, हमको दिक्कत हो रही है, मेरा नाम करेक्ट कर दीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। अदरवाइज आप मेरा वीडियो देख लीजिए, सारा वीडियो बना हुआ है, आप खुद भी अपना नाम करेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ आपसे मैच कर सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आचार्य सांत्वना दत्ता का नंबर है। इतने कम फीस में, इतना सस्ते में, इतना अच्छा प्रेडिक्शन, करेक्ट प्रेडिक्शन आपको करके देंगे कि आप भाग्य जान लीजिए किस फील्ड में आपको महारत हासिल होने वाला है, और उसके हिसाब से लग जाइए। 101% गारंटी वारंटी के साथ आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा दावा है। चलिए आपको बताते हैं न्यूमरोलॉजी, नंबर्स एंड प्लैनेट्स कैसे काम करता है। ये आज बहुत सारी जगह देखा होगा, गूगल सर्च में तो बहुत कॉमन मिलता है आपको, है ना। एक नंबर का मतलब क्या होता है? एक नंबर का मतलब ये होता है कि किसी भी मंथ में, है ना, किसी भी महीने के, किसी भी महीने में एक तारीख को जन्म लेने वाले, 10 तारीख को जन्म लेने वाले, और 19 तारीख को जन्म लेने वाले, 28 तारीख को जन्म वाले लोगों को एक नंबर वाला कहा जाता है, कि उनका नंबर एक है। कैसे एक है? उसको जोड़ोगे, एक तो एक ही रह गया, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 0 to 9 तक ही नंबर होता है। 0 to 9 का मतलब ये हुआ कि भाई 0 की कोई तो वैल्यू है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, 1 to 9 सिर्फ नंबर होता है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, क्योंकि 1 to 9 नंबर रहता है, इसलिए कंपाउंड नंबर जो 52 तक ही होता है, आप लोगों को क्लियर बताया मैंने, उसके बाद का नंबर सब जोड़ के फिर रिड्यूस करके उसको सिंगल डिजिट पे लाया जाता है, 1 to 1 से लेकर 9 तक के बीच में लाया जाता है। अब 52 क्यों होता है? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और पूरे साल में कितना सप्ताह होता है? 52 सप्ताह होता है, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 364 डेज। पूरा साल में कितना दिन होता है? 365 डेज। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से एक स्टेप फर्दर जाता है, और फिर वहाँ प्लैनेट्स, जोडियाक साइंस एंड कॉन्स्टिलेशंस, 27 कॉन्स्टिलेशंस है, है ना, नक्षत्र ग्रह, नक्षत्र 9 प्लैनेट्स है, और जोडियाक साइंस 12 है। ये सबको मिक्स करके एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करता है, और न्यूमरोलॉजी सिर्फ नेम और डेट ऑफ बर्थ को लेकर करता है। ये चीज आपको नहीं भूलना है, इसलिए आपको मिक्स नहीं करना है कि 24 जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लकी नंबर है, और 42 जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जाएंगे तो ये कभी लकी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 जो है वो राहु है, 2 जो है चंद्रमा। आज मैं बताऊंगा आपको कौन सा नंबर क्या डिनोट करता है, उसके हिसाब से आपको ये समझना है, ठीक है, गॉट इट, क्लियर है। अब चलिए बताते हैं कि किसी भी महीने में अगर आप 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका नंबर जो है एक है, ठीक है। जोड़ देंगे 1 + 0 = 1, 1 + 9 कितना, 19 को 9 + 1 = 10, एक हो गया। 28 को जोड़िएगा, 8 × 2 = 10, एक हो गया। इसी तरह से सभी नंबर का, 2 तारीख को जिसमें आप किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 को आप पैदा हो गए, तो आप 2 नंबर वाले हो गए। 3 तारीख वाले का 3, 12, 21, 30 तारीख को पैदा हो गए, तो आप 30 हो गए, तो 3 नंबर वाले हो गए। 4 नंबर वाले, 4 को 13, 22, 31 को हुए, तो आप 4 नंबर वाले हो गए। जोड़ दीजिएगा 3, 1, 4, 2, 2, 4, इस तरह 5 नंबर वाले लोग, 5, 14, 23 हो गया। 6 नंबर वाले, 6, 15, 24 हो गया, तो ये 6 नंबर वाले लोग हो गए। 7 नंबर वाले लोग, 7, 16, 25 हो गया। 8 नंबर वाले, 8, 17, 17 हमारे मोदी जी का भी नंबर है ना, 26 हो गया। 9, 18, 27, ये सब ना 9 नंबर हो गया। अब आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि लकी नंबर, अनलकी नंबर क्या होता है। एकदम दिमाग से निकाल लीजिए, निकाल के बाहर कर दीजिए कि कोई भी अनलकी नंबर था, कुछ भी अनलकी नहीं होता है जिंदगी में। हर दिन शुभ दिन होता है ना। हम हिंदुओं में ही सब नौटंकी है, इसको हम नौटंकी में मानता हूँ, है ना। क्यों नौटंकी में बताता हूँ, आप क्रिश्चियनिटी में चले जाइए, एवरी डे इज लकी डे फॉर देम, ऑल नंबर्स आर लकी नंबर्स फॉर देम।
है ना। चर्च भी वो जाते हैं जूता पहन के जाते हैं, हमारे यहाँ मंदिर चप जूता खोल के जाना पड़ता है ना। हमारे यहाँ रीति रिवाज जो बनाया गया है, डर का बिजनेस जो फैलाया गया ना, ये बड़ा खतरनाक है। ये आपको मानना है, आप किसी भी हिंदू के घर में चले जाइए, आपके आपको वहां पे 500 देवी देवता का फोटो मिलेगा। और क्रिश्चियनिटी में बस दो ही है, कैथोलिक है या तो प्रोटेस्टेंट है। एक जीजस का फोटो का पूजा करते हैं, जीजस का फोटो का पूजा नहीं करते हैं। मुस्लिम भाई बहनों के पास भी वही एक सिया है, सुनी है ना। वो लोग सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, बस एक उनका गॉड है। क्रिश्चियनिटी में एक गॉड है। आप पंजाबी को चले जाइए, हमारे पंजाबी भाई बहन के घर में चले जाइए, एक वाहे गुरु है। लेकिन हम हिंदू जो है, हमारे पास 33 डिफरेंट टाइप्स के है ना, 33 याद रखिएगा, 33 डिफरेंट टाइप्स के देवी देवता हैं। हम सब उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार मन में बैठा दिया है। ये आश्चर्य 10,000 साल से चला आ रहा है, जब मन में बैठा दिया है तो 33 देवी देवताओं का हम पूजा एवरीडे करते हैं। और इसी वजह से हम डरते भी बहुत ज्यादा है ना। जरा सा कुछ अमंगल हो जाएगा, तुरंत मंदिर में दंडवत सीधा। ये उसी के कारण है ये डर का बिजनेस। आप न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, आप ये वीडियो इसलिए देखने आए हैं या किसी का वीडियो आप तब देखते हैं, न्यूमोलॉजर एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान नहीं है, कोई जादूगर नहीं है, है ना। हम एक डॉक्टर की तरह हैं। जिस तरह से आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब आपके पास सर्दी खांसी होता है या कोई बीमारी होती है। डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी बड़ी है, उसी के हिसाब से डॉक्टर इलाज करता है। मान लीजिए किसी को कैंसर बीमारी हो गया, इसका इलाज ही नहीं है, तो क्या होता है, लोग दवाई खाते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैंसर को दूर करने की कोशिश करते हैं। जो चीज काटा जाता है बॉडी पार्ट्स उसको काट के निकाला जाता है। तो इसी तरह से न्यूमोलॉजी जो है वो हमारा एस्ट्रोलॉजी छतरी की तरह काम करता है। बारिश हो रही है, आप छाता लेकर निकलेंगे तो आपके बचाव होगा। बहुत तेज धूप है, खाली पैर निकलेंगे पूरा पैर पे फोका पड़ जाएगा। आप चप्पल पहन कर निकलिए, आपका धूप से बचाव हो गया। तो न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी इसी तरह से है। जो अंगूठी पहनाया जाता है वो इसीलिए पहनाया जाता है कि बड़ा बीमारी अगर कुछ है, बड़ा कुछ होने का वहरा है आपकी जिंदगी में, तो वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। अगर ऊपर वाले ने किया हुआ, जैसे मेडिसिन में भी क्या होता है, मेडिकल साइंस में भी क्या होता है, जो एड्स का रोगी है, जो कैंसर का रोगी है, जो लास्ट स्टेज में पहुंच गया, उसको कोई डॉक्टर बचा सकता है क्या? कितनों बड़ा डॉक्टर आप आ जाइए, हमारे देश को उतने बड़े बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी साहब को एक दिन हार्ट अटैक आया, तीसरे दिन उनकी मौत हो गई। उतने बड़े बड़े वर्ल्ड के डॉक्टर आए, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, कोई बचा पाया उनको? तो जो बड़ा बीमारी है वो बड़ा बीमारी है। उसी तरह से हमारे जिंदगी में जो कुछ गॉड ने लिख दिया है, उसको उन्होंने डाइल्यूट करने का भी तरीका बताया है, रिड्यूस करने का भी तरीका बताया। अब वो रिडक्शन जो रिड्यूस हम करते हैं, वो न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से करते हैं। इसलिए न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जो है दोनों एक दूसरे के पूरक है, सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कार और पेट्रोल की तरह है, इंक और पेन की तरह है। सब्स्टिट्यूट का मतलब है टी एंड कॉफी, चाय नहीं मिली तो कॉफी पी ली, कॉफी नहीं मिला चाय पी ली, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसलिए इसकी वैल्यू है। अब चलते हैं इसका प्लैनेट्स। वन को सन, एक नंबर को सन मतलब सूर्य देवता का प्लैनेट्स। दो जो है मून है, चंद्रमा है। एस्ट्रोलॉजी में आपको बताया जाएगा कि चंद्रमा जिसका नीच ग्रह में रहेगा उसको हमेशा बहुत चिंतित रहेगा, वो बहुत तकलीफ रहेगा उसको। तीन नंबर जुपिटर, सभी देवताओं का है ना, देवताओं के देव। चार नंबर हमारे राहु देव के हैं। ये सारे देवी देवता हैं, ये याद रखिएगा। राहु देव को भले देवता कैटेगरी में नहीं माना गया है, लेकिन इनको देवता मानना है, क्योंकि जो 95% लोग हैं इंक्लूडिंग मी, हमारे जीवन में राहु देव, केतु देव, शनि देव का ही प्रभाव की वजह से आज 95% लोगों की हालत 5% वालों जैसी नहीं है। उनके जैसे 5% वालों के पास सुख शांति समृद्धि पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें सिर्फ 5%, सिर्फ 40 करोड़ लोगों के पास ही सुख शांति समृद्धि है। बस यदि जान लीजिए, आप पूरा गूगल सर्च मार कर देख लीजिए, विकीपीडिया सर्च मार कर देख लीजिए, उससे 1% ज़्यादा नहीं मिलेगा, गारंटी वारंटी मैं देता हूँ। उसका पांच नंबर मरकरी, बुध देव। जिसका बुध देव मजबूत होता है बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। हम लोगों का बुध बहुत मजबूत है, इसलिए हम लोग प्रोफेसर है ना। मैक्सिमम लोगों का ऐसा माना जाता है, बुध देव जिसका अच्छा होता है बोलने में बहुत उस्ताद होते हैं। छह नंबर वीनस है ना, सुंदरता की देवी। और सात नंबर आपका केतु देव। छह नंबर को एस्ट्रोलॉजी में ये शुक्राचार्य है ना, जो दैत्यों के गुरु थे, उनका नंबर भी माना जाता है छह नंबर को। फिर सात नंबर केतु देव हो गए, आठ नंबर हमारे शनि देव हो गए, और उसके बाद नौ नंबर हमारा मार्स हो गया, मंगल हो गया। तो ये नाइन ग्रहों का जो चक्र है एस्ट्रोलॉजी में,
12 जोडियक्स हैं स्टार्टिंग विथ एरीज है ना, ये सब, उसके बाद 27 कॉन्स्टिलेशंस नक्षत्रों का, ये सब मिश्रण मिला के एस्ट्रोलॉजी का प्रिडिक्शन होता है। अब मैं फिर से रिपीट कर दूं कि एस्ट्रोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ, नेम, सबसे पहले नाम आपका, दो चीज जिंदगी भर आपके पीछे भागता है, मालूम है आपको? आप किसी भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज में जाइए, कहीं भी कॉर्पोरेट में जाइए, जॉब ज्वाइन करने के लिए जाइए, आपको दो चीज लिखने के लिए जरूर बोला जाएगा, हमेशा कंपलसरी, नाम और डेट ऑफ बर्थ, और फिर बर्थ प्लेस भी, ये तीन चीज, बर्थ टाइमिंग कोई नहीं पूछता आपका, लेकिन ये तीन चीज जरूर पूछा जाता है, कहाँ जन्म हुआ था आपका, है ना, इससे पीछा आप नहीं छोड़ा सकते, किसी कीमत पर नहीं छोड़ा सकते। और जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना है, कोई नंबर लकी अनलकी नहीं होता है। जिसका रिजल्ट जल्दी आ गया, मैंने अपने न्यूमरोलॉजी वाली वीडियो में बताया, उसको देख लीजिए, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में फिर से बताऊंगा आप लोगों को, लकी अनलकी नहीं होता। रिजल्ट जिसका पहले आ गया उसको लकी मान लेते हैं लोग, थोड़ा जिसका लेट से आया उसको अनलकी मानते हैं, और जिसका थोड़ा और लेट से आया उसको लोग बिल्कुल अनलकी मानते हैं, है ना। मैंने अपनी वीडियो में बताया है, और अभी मैं कोशिश करूंगा इसके बाद वाली वीडियो में फिर से मैं बता दूंगा मैं आप लोगों को कि कौन सा नंबर जल्दी रिजल्ट देता है, कौन सा थोड़ा बाद में रिजल्ट देता है, कौन सा थोड़ा सा और बाद में देता है। मतलब कुछ नंबर ऐसा है जो कि आपको दिखाई देने लगेगा कि भाई जैसे आप 8 साल के हो या 5 साल के हुए, बोलते ना होनहार विद्वान के हो चुके नहीं पाता, आपका नंबर एकदम 5 साल से दिखने लगेगा। देखा होगा आपने डांस इंडिया डांस में, सिंगिंग में, 5 साल का बच्चा इतना जबरदस्त डांस करने लगता है। अभी संचित नाम का लड़का है डांस इंडिया सुपर डांसर में, 4 नंबर, जबरदस्त डांसर, 8 साल की उम्र में, गॉड ब्लेस हिम, बहुत जबरदस्त डांसर, उसके जैसा बहुत सारा बच्चा है, एक से टैलेंटेड बच्चा। ये सब क्या है, उनका नंबर शुरुआत से सही नंबर है, ये गॉड ग्रेस है। कुछ लोगों का 20-21 साल के बाद नंबर सही होता है, कुछ लोगों का 40 साल का सही होता है। तो ये मैं आपको बता दूंगा, है ना, तो आपको थोड़ा सा दिल में संतुष्टि भी होगा, और उसके हिसाब से अपना नाम को खाली करेक्ट कर लेना है। आज मेरा नाम करेक्ट होने की वजह से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुछ मिला मुझे उसकी वजह से मिला, अगर मैंने आज 21 साल पहले नहीं किया होता तो आज बहुत बुरी स्थिति होती थी, क्योंकि सारे जिसके पास भी मैं गया सबने बोला मेरा राजयोग शुरू होने वाला, हर 5 साल पे मैं जाता था दिखाने के लिए, और हर बार मुझे यही सुनने को मिलता था 20 साल निकल के कभी राजयोग शुरू नहीं हुआ। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप सक्सेस किसको मानते हो, पैसा को मानते हो, इज्जत शोहरत को मानते हो, या किसी और चीज़ को मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको कभी अपना न्यूमरोलॉजी का नेम करेक्शन कराना हो तो मुझे मेरा सेवा आप लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है, ऑनलाइन सेवा, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब मिलेगा। आप अपना नाम, डेट ऑफ लिख के भर के भेज देना, और कोशिश करना मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग सबसे पहले, तो सो दैट कि सारे वीडियोज आपको मिलते चले जाएंगे। 282 वीडियोज अभी एज ऑफ नाउ, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 283 नंबर वीडियो होगा, सारे ही वीडियो लर्निंग से भरे हुए हैं, इसमें आपको एजुकेशन एंड लर्निंग दोनों मिलेगा, ठीक है। तो जाने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता चला जाए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बिगनिंग।